रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टूटने से इस अहम तरीन मामले की तहकीकात लटक गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद से पूरी दुनिया में कश्मीर का उजागर होगा। KPA कामयाब तरीन लीग होगी, इसका मुजफ्फराबाद में इनेकाद ही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज कराची में इसराइली मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली जाएंगी। मरकजी एहतजाज शारे फैसल पर होगा। 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 20,251 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क और शाम तक समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 60,000 आदमी ने हज को हिजाज मुकद्दस आने की इजाज़त दे दी। सिंध भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र सूबे में नाफिस पाबंदियों को मजीद 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला।